हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन पे। सो गाइस, जैसे कि आज हमने देखा कि मार्केट आज भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गई और न्यू हाईज बनाए। हमने देखा बैंक निफ्टी ने न्यू हाई बनाया, निफ्टी ने न्यू हाईज बनाए। सो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो पे कहा था कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी पे अभी बाय में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है। और जो मैंने आपको बताए थे कि जो नेगेटिव फैक्टर्स आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अभी बाय की सलाह आप लोगों को रिकमेंड नहीं करी थी, पर तब भी ऊपर गया, कोई बात नहीं। आपको जो शॉर्ट के लेवल दिए गए हैं उसके नीचे ही आपको शॉर्ट करना है तो ही आप अच्छे तरीके से अर्न कर पाएंगे। बाय पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है और जो अब अपकमिंग इवेंट्स हैं वो गाइस बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम है। तो अगर हम बात करें तो गाइस 29th को GDP का डाटा आना है जो मुझे लगता है कि 5% से कम की एक्सपेक्टेशन हम लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात, 1 तारीख को गाइस ऑटो सेल्स के नंबर आने हैं जो कि मुझे पता है अच्छी नहीं होने वाले। PMI इंडेक्स आना है इंडिया, और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स आना है, वो भी अच्छा नहीं होगा अगले दिन। सो गाइस, हम देख रहे हैं कि अब जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी ऊपर ये जो हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर में हाइज बना रही है, ये आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश हो सकती है। सो इस तरीके से अभी हम ने जो आपको सेल के लेवल्स दे रखे हैं उन्हीं पे आपको सेल के लेवल्स को इनिशिएट करना है। और गाइस, टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को आज कॉल्स नहीं प्रोवाइड करवा पाया था क्योंकि जो मेरा फ़ोन था वो गाइस हैंग हो गया था सुबह और मुझे बहुत टाइम लग गया था उसे रिकवर करने में। सो अब हम बढ़ते हैं कि कल, यानी कि कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है नवंबर की, तो किस तरीके से काम करना है, कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। उससे पहले जो हमने आपको आज स्टॉक्स बाय करवाए थे 5, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको LT बाय करवाया था लार्सन एंड ट्यूबो, सेल कराने की सलाह दी थी 1360 पे। 1345 का टारगेट था जो आपको बताया था, इंट्राडे टारगेट था जो कि 15 रुपये नीचे था। और अगर आपको चार्ट्स याद होगा तो आपको मैंने चार्ट्स पर भी बताया था कि ये पर्टिकुलरली मुझे लगता है 1320 तक जा सकता है, यानी कि अपने करंट लेवल से 40 रुपये की गिरावट दिखा सकता है, पर इंट्राडे टारगेट 15 रुपये का लेकर चलते हैं। तो हमारा कल आज के आज ही 1320 तक का लेवल भी अचीव हो गया था चार्ट्स के अकॉर्डिंग और हमारे टारगेट इसमें अचीव हो गए थे। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक का भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। ल्यूपिन बाय करने की सलाह दी थी, टारगेट अचीव हो गए। BPCL शॉर्ट करने की सलाह दी थी, 487 का हमारा टारगेट था, 488 का हाई था, लो था, तो हम मान के चल सकते हैं 1 रुपये की वजह से भी हमारा टारगेट्स अचीव हो गए थे। HEG की बात करते हैं जो एक बहुत बेस्ट काउंटर था, आपको 1080 पे बाय की सलाह दी थी, टारगेट आपको बताया था 1117 का। और अगर आपको चार्ट याद होगा तो गाइस उस पर मैंने आपको बताया था कि ये 1180 तक जा सकता है और आप इसे बाय करके चल सकते हैं या आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं, पर इंटरडे टारगेट हमारा भी 40 रुपये ऊपर था जो आप देख सकते हैं कि अचीव हो गया था आज ही। तो हमने ये भी अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया था, हमने अराउंड 1065 पे बाय करवाया था और हमारा टारगेट था 1180, यानी कि वहाँ से कम 150 पॉइंट का। तो हमने 100 पॉइंट आज के आज ही HEG में हमारे क्लाइंट्स ने अर्न कर लिए थे। इस पर पर्टिकुलरली चार्ट्स में हम एक बार और बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो कल आप ट्रेड करके चलेंगे वो है कैडिलैक, सेल करने की सलाह दी जाएगी। 254 के नीचे सस्टेन करता है गाइस तो ही शॉर्ट करना है क्योंकि जो फार्मा सेक्टर है वो अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं उसमें रिकवरी आ रही है, तो इसमें बहुत ध्यान से आपको कैडिलैक पे शॉर्ट करना होगा। तो 254 के नीचे सस्टेन करे तो ही शॉर्ट करिएगा। 251 248 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 261 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। TCS गाइस बाय करने की सलाह है, 2075 2100 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। TCS मैं आपको सलाह दूंगा तो अगर आप इसे हफ्ते भर के लिए होल्ड करके रखेंगे तो मैं आपको चार्ट्स में बताता हूँ कितने टारगेट्स तक आप अचीव करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 2035 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्लोजिंग इसकी जो हुई है वो है 2054 पे। DMart बाय करने की सलाह दी जाएगी, 1847 की क्लोजिंग है, 1851 के ऊपर सस्टेन करे निकले बाय करिए, 1859 1872 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं DMart के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 1834 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फोर्थ आता है गाइस भारतीय एयरटेल, बहुत बढ़िया स्टॉक है मेरे लिए और मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि बाय करिए क्योंकि जो 1 साल की रेंज के ऊपर निकला था मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, इस पर मैंने गाइस बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करे। 433 इसका CMP है, 426 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 439 446 के टारगेट के साथ आप भारतीय एयरटेल को बाय करके चल सकते हैं। LT आप देख रहे हैं, LT मैंने आपको शॉर्ट की सलाह दी थी,
₹40 नीचे जो कि टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद हमने अपने क्लाइंट्स को बाय की सलाह दी है और वहाँ पर अब ये एक बाय बनता है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पैटर्न था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक बुलिश पैटर्न इनिशिएट हो चुका है तो वो आपको चार्ट्स में लेकर चल के दिखाते हैं। 1323 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये 1023 नहीं 1323 है, नोट कर लीजिए। 1347 1360 का आपको टारगेट अचीव हो सकता है एलटी के अंदर। सो अब हम बढ़ते हैं गाइस चार्ट्स पे और चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ये गाइस हमारा एक व्हाट्सएप पे पेड सर्विस का हम जहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं हमारा ब्रॉडकास्ट है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज के दिन पे हमने किस तरीके से कॉल्स प्रोवाइड करे। हमने अराउंड 1 बजे के आसपास कॉल्स बाय करवाई थी। 1 बजे के आसपास हमने कॉल देना शुरू करा था उन्हें, क्योंकि आपको पता था कि मेरा फ़ोन हैंग हो चुका है, वहाँ पर ही सारी डिटेल्स थी तो मैं इन लोगों को भी कॉल्स प्रोवाइड नहीं करवा पाया था सुबह के टाइम पे। सो आप देख सकते हैं 1 बजे मैंने यहाँ पर एक स्टॉक की फ़ोटो भेजी और मैंने आप लोगों को कहा कि गाइज ये एक हम देख सकते हैं कि एक बुलिश एलटी बुलिश गाटले पैटर्न बन रहा है लार्सन एंड ट्यूबो के अंदर। जैसा कि आपको याद होगा कि कल की वीडियो पे इस लेवल पे ये क्लोज हुआ था, ये जो छोटी सी रेड कैंडल थी, और मैंने आपको बोला था ये रेड लाइन के नीचे जैसे ही तोड़ता है आपको ये टारगेट मिल जाएगा, आराम से शॉर्ट करिए। आपको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी दिया था। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से नीचे आया, आप लोग अर्न कर चुके होंगे और ये लेवल है हमारा बाय के लिए। तो यही हमने कॉल आज अपने क्लाइंट्स को दी थी, हम शॉर्ट की सलाह नहीं दे पाए थे। तो आप देख सकते थे कि हमने 1315-1321 के आसपास बाय की सलाह दी थी, ये हमारे टारगेट्स थे। 4 दिन की होल्ड की सलाह दी थी जिसमें से पहला टारगेट जो हमारा होता है वो इंट्राडे टारगेट होता है जो कि अचीव हो गया था 3:20 के आसपास। दूसरा टारगेट स्टॉक हमने आपको दिया था, ये हमने आपको अपने यूट्यूब वीडियो पे भी दिया था। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था पर्टिकुलरली HEG के अंदर। देख सकते हैं HEG के अंदर ये छोटी सी जो ग्रीन कलर की कैंडल थी ये बनी थी जब मैंने आपको कल बताई थी वीडियो बना के, और मैंने आपको बोला था इस लेवल पे आपको बाय करना है। जो हमारे टारगेट हैं वो ₹132 ऊपर है और ₹80 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है जैसा कि हमने आपको बताया था। आप देख सकते हैं आज के दिन ये खुला और नीचे जाते रहा। जैसे इसने ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था अराउंड 1070 का अराउंड इसका सपोर्ट था, तो 1065-63 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 1063 पे हमने अपने क्लाइंट्स को एक बाय की सलाह दी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं 1057-1065 के बीच में जब भी आपको मिल जाए कैश पे बाय करिए। हमारा जो टारगेट था 1075-1115-1180 का था 5 दिन के लिए। अब आप गाइज देखिए हमने 1:50 में दिया था 2:04 में, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया जो कि ₹10 का था, कोई नहीं। दूसरा टारगेट हमारा आधे घंटे बाद अचीव हो गया जो कि आप देख सकते हैं हमारा सेकंड टारगेट था 1011120 का, यानी कि जो ₹50 ऊपर था। उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमने एक कॉल और प्रोवाइड कराई थी ल्यूपिन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ल्यूपिन की कॉल थी। हमने आपको बोला था कि इस लेवल पे आपको बाय करना है, आपके यूट्यूब चैनल पे भी आपको कल बताया था, हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाय करवाया था, तो ये एक हमारे लिए बाय बनता है। हमने आप देख सकते हैं ये लेवल्स आपको प्रोवाइड कराए हैं और एट द एंड ऑफ द टाइम मैंने आपको जब मैंने ये फ़ोटो भेजी तब मैंने यहाँ पर बाय करने की सलाह दी थी और नेक्स्ट आधे घंटे बाद ये फ़ोटो हो गई थी ऐसी, देख सकते हैं एग्जैक्ट ऊपर, और ये हमारा टारगेट था। तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट हमें 100 पॉइंट तक की रैली देखने को मिल गई थी 1 घंटे के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्लाइंट्स ने इस पर प्रॉफिट अर्न करा है। तो गाइज यही पूरी वीडियो हमने एक टेलीग्राम अपने चैनल पे भी भेज रखी है, अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये 3 कॉल्स हमने अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराई थी, तो इस तरीके से ही हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी ऑफर ये स्टिल वैलिड है, जो बहुत से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 11 सीट्स रह गई हैं सिर्फ, तो आप अभी भी ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि जैसी 11 सीट्स बुक हो जाएंगी तो आप इन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ट्रेड डीलर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पर मेरे को क्वेरीज पूछ सकते हैं और जो भी डिटेल्स हैं पेमेंट से रिलेटेड आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स पे जाके सबसे पहले देखते हैं। तो एलटी का यही चार्ट मैंने आपको बताया था, ये रेड कलर की लाइन है जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला था इस लाइन के नीचे आपको शॉर्ट करना है और टारगेट हमारा ये है। एग्जैक्ट उस टारगेट तक गया और यहीं पर ही अपने अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया। आप यहाँ पर इस तरीके यहाँ पर देखिएगा गाइस, आपको लेवल दिख रहा होगा, अराउंड लेवल आ रहा है 1321 जो मैंने आपको बताया। 1321 पे आपको मैंने बाय की सलाह दी और इसने जो क्लोजिंग दी है अराउंड क्लोजिंग दी है 1335 पे और 1-2 रुपए और ऊपर भी गया था ये इंट्राडे पे, तो हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया था।
तो थोड़ी बहुत कल ये डिप और मिलती है इस लाइन के आसपास तो बाय करिए। हमारा पहला टारगेट है वो है 1360 का, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो गाइस 1386 का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कम आपको 50 रुपये ऊपर और मिल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पेशेंस रहिए और आप इसमें डेफिनेटली अर्न करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम गाइस भारती एयरटेल पे, और भारती एयरटेल पे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या पैटर्न बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये रेंज दिखा देता हूँ, ये रेंज आप देख सकते हैं एग्जैक्ट एक साल की रेंज है। एक साल से ये पर्टिकुलरली अपर राइजिंग चैनल के अंदर ये भारती एयरटेल काम कर रहा था, और इस टाइम पे इसने जब ब्रेकआउट दिया था गाइस तो मैंने आपको कहा था कि बाय करके चलिए, आप अपने यूट्यूब पे चैनल पे जाके देखेंगे तो मैंने इस लेवल पे आपको बाय की सलाह दी थी। ये 18 नवंबर की बात है, तो एग्जैक्ट 18 नवंबर को मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाई होगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। भारती एयरटेल वो स्टॉक होगा जो मैंने आपको रिकमेंड करा था, और इसी जो ये ब्रेकआउट था, ये जो गैप अप ओपनिंग थी, इसी गैप अप ओपनिंग में हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने अर्न करा था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। सो अब आप देखिएगा, अगर मैं इसका 1 आवर का चार्ट ओपन करता हूँ, तो 1 आवर के चार्ट के ओपन के आप देखिएगा जब ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद ये दोबारा एक रेंज में चला गया, और अब देख रहे हैं कि अब ये दोबारा नीचे वाले अपर सपोर्ट से, और जो सपोर्ट 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ से सपोर्ट लेकर ये उठाए आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो एक बाय बनता है मेरे लिए, और ये मेरे लिए बेस्ट काउंटर है। अगर मुझे कभी भी ये दोबारा 410 के आसपास, 400 के आसपास मिलता है, तो मैं इसमें बहुत अच्छे से माल उठा लूँगा। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने भारती एयरटेल बाय कर रखा हुआ है दिसंबर का फ्यूचर अभी भी, और अभी भी ये मेरे पोजीशन पे है। इस लेवल पे मैंने बाय करा था जैसे ही आपको बताया था, और मैंने इस लेवल पे एवरेजिंग भी कर रखी है, और अभी भी मेरे पास होल्डिंग में है ये। तो अब हम बात करते हैं इसका टारगेट, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन लगा के चलूँ तो 457 तक अपर रेंज में ये जा सकता है, और अभी आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, यानी कि 225 के नीचे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं गाइस TCS पे। TCS पे अगर हम बात करें तो TCS पे मैं इसका जूम कर देता हूँ, मैंने जूम करना भूल गया था कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि TCS पे भी हम देख रहे हैं कि एक तरीके से एक ये बुलिश, हम मान के चले तो बुलिश बैट पैटर्न है, तो ये बुलिश बैट पैटर्न बना है, हम इसे गाटले नहीं कहेंगे, एक बुलिश बैट पैटर्न कहेंगे, और जो कि बहुत परफेक्टली बना है, तो इसे हम बाय करके चलेंगे। और इसका जो लेवल था, जो बाय का लेवल था, वो एग्जैक्ट लेवल था 2035 का, हमने वो नहीं देख पाए, हमने आज ही चार्ट देखा तो आप लोगों को रिकमेंड करा है। तो TCS बाय है 2035 का, बाय करके चलिए। हमारा जो पहला टारगेट है 2075, और नेक्स्ट टारगेट है वो 2100 का है, पर जो मैं एक्सपेक्टेशन लगा कर चल रहा है, बुलिश बैट का टारगेट जो होता है वो अराउंड 61% रिट्रेचमेंट लेवल होता है, जो कि 2150 का है, यानी कि यहाँ से 100 रुपये की अपसाइड TCS और दिखा सकता है, पर उसे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बीच में यहाँ पर 236, 382, 5 का रिट्रेसमेंट लेवल्स के जो हर्डल्स हैं वो बीच में थोड़ा बहुत रोक टोक करेंगे। अब हम आते हैं कैडिलैक पे। तो कैडिलैक पे आपको मैंने ये शॉर्ट की सलाह क्यों दी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम अपने लास्ट स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे। तो आप जैसा कि आप कैडिलैक पे देखेंगे कि यहाँ पर एक ये जो लेवल है, ये देख रहे हैं ये रेंज, ये रेंज पे आप देखते थे ऊपर जाता था, यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल जाता है, ये लाइन ये देख रहे हैं रिजेक्शन मिली थी ये शेडो, और इसी रेंज के अंदर काम करता था, जैसे ही इस रेंज को तोड़ता था हम देखते थे नीचे की तरफ आ जाता था ये। दूसरी बात आप देखिए, इस रेंज पे भी यहाँ पर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करा, नीचे आया, ऊपर गया, इस रेंज पर फिर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। अब आप देखिए, मैं आपको इस पर डेली चार्ट पर लेकर जाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिजेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ मैं जी गाइस। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस लेवल पे ये देख रहे हैं, यहाँ पर रिजेक्शन फेस करा, ये जो थी नीचे आ गया, यहाँ रिजेक्शन फेस करा नीचे आया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस करा यहाँ नीचे आ गया, सेम चीज़ आप वही देख रहे हैं कि ये जो बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पर है, एग्जैक्ट अब जो ट्रेड कर रहा है उसी बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पर है, और हम देखते हैं ऊपर फिर से रिजेक्शन फेस करता है, इस लाइन के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, पर नीचे इस लाइन के नीचे ही करता है, जो कि पिछले टाइम करा था इसने 4 नवंबर के आसपास। तो आप देख सकते हैं, अब जैसे ये लाइन है, ये लाइन तोड़ता है, और जैसे ये लाइन तोड़ेगा जो कि 254 का लेवल है, 254 के लेवल को तोड़ता है, नीचे रुकता सस्टेन करता है, तो हम और लोअर लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और मुझे लगता है कि कैडिलैक दोबारा नीचे आ सकता है। ज़्यादा नीचे नहीं आएगा क्योंकि पर्टिकुलरली फार्मा इंडेक्स ब्रेकआउट दे चुका है, और मुझे लगता है कि वो सस्टेन करेगा ऊपर, थोड़ी बहुत हम देखते हैं एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, जो कि रिट्रेसमेंट इसे कम से कम 240 तक के लेवल तक एक बार लेकर जा सकता है, और उसके बाद हम दोबारा एक बाय पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं।
तो 254 के नीचे जाता है तो ही बाय करिए, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। हम आपको हमेशा पैटर्न्स के रूप में एक पर्टिकुलर स्टॉक्स प्रोवाइड कराते हैं, पर आप देख सकते हैं रिजेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, तो ही हमने आपको ये स्टॉक्स प्रोवाइड कराए हैं। लास्ट आते हैं गाइज डीमार्ट पे, और डीमार्ट पे ऐसा क्या है हम अभी आपको बता देते हैं। अब देख सकते हैं कि एग्जैक्ट ये जो नीचे का लाइन है, ये लाइन हमेशा इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता था, ऊपर निकला है एग्जैक्ट बुलिश कैंडल के साथ, यहाँ सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया। हमने देखा इस सपोर्ट के नीचे इसने कल क्लोजिंग करी थी, आप देख सकते हैं ट्यूजडे में, और आज हमने एक बहुत तेज़ी से बुलिश मूवमेंट देखी है और बहुत अच्छे से हमने इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा। सो आप देख सकते हैं अच्छे से ये ऊपर जाके बंद हुआ है, तो हमारे लिए ये दोबारा बाय बनता है। बाय आपको कब करना है, 1846 की क्लोजिंग है, मैंने आपको बोला 1851 के ऊपर निकले तो ही बाय करिएगा। देख सकते हैं अपर में भी ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता था, इसके ऊपर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये 1920 तक भी जा सकता है, और उस वहाँ पर जाके अगर दोबारा नीचे आता है तो शायद एक ये हम मान के चल सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की भी कोशिश कर सकता है। सो 1851 के ऊपर होल्ड करें, अगर क्लोजिंग देने के बाद भी आप बाय करते हैं तो भी अच्छी बात है, बाय करिए। टारगेट्स हम 1900 रुपये तक के लेकर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं डीमार्ट के अंदर। सो ये 5 स्टॉक्स हमने आप लोगों को रिकमेंड कर दिए हैं, इसी की बिहेवियर में अगर आप काम करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे गाइस। और आपको दोबारा बता दिया जाता है कि 12 सीट्स अवेलेबल हैं, 6000 रुपीज़ पर मंथ फीस है, डिस्काउंट मिल सकता है, डिस्काउंट खत्म हो गए हैं सॉरी, जो 6 लोग थे जो पहले आ चुके हैं, पर कोई नहीं, जो डिस्काउंट है वो हम आपको पहले ही दिन में प्रॉफिट पे अर्न करवा देते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैश कॉल, फ्यूचर कॉल, ऑप्शन कॉल सब प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप कोई एक कॉल भी पर्टिकुलरली लेना चाहते हैं, अगर आप कोई एक सर्विस भी लेना चाहते हैं, फीस बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि हम सारी कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं और उसके बेसिस में हर कॉल पे हम आपका हमारा यही मोटिव होता है कि आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपकी फ़ीस जो है वो रिकवर करवा दी जाए, उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पे आपको पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए आपको बताया जाता है, रिव्यू करा जाता है, और वीकली स्विंग कॉल्स तो आपको डेली प्रोवाइड होती ही होती है। 20 सीट्स थी जिसमें से हम मान के चल रहे हैं कि 9 भर चुकी हैं, 11 सीट्स अभी भी लेफ्ट हैं, आप ज्वाइन हो सकते हैं जल्दी से जल्दी। और आप देख सकते हैं हम किस बेटर तरीके से अब आप लोगों को विद पर्टिकुलरली चार्ट्स और उसके साथ आप लोगों को बाय की रिकमेंड देते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ गाइज। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए हम अच्छे तरीके से आप लोगों को परफॉर्मेंस बताते हैं कि आप लोगों को लगे ना कि हमने जो आपको स्टॉक्स दिए हैं वो बढ़े या घटे, आप लोगों को पता ही ना हो। सो हमारे साथ बने रहने के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यूट्यूब का आइकन दिख रहा होगा रेड कलर का, यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा सकते हैं, और उसके बाद गाइज हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरी बात, खास बात में एक बात आपको और बताना चाहूँगा गाइस कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो मैं आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आते रहता हूँ, ये आप लोगों को जो डेली वीडियोस हैं आपको बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करा रही है नहीं करवा रही है, मुझे इसमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात और गाइस कि इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए और क्या लेकर आ सकता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ़।